मैं आपकी खिदमत में पेश करूं हालिया तीन दिन का जो एक मुजाहिरा पेश हुआ है कर्नाटक में, उसको लेकर के दो शेर दिमाग में आए थे, कागज पे उतरनी सिर्फ यहीं है और यहीं से वहां कर दूं। मेरे दिमाग का दर्द आपके दिल का दर्द नहीं बन जाए, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। वाह जी वाह जनाब, क्या खूब कही है। शेर शुरू हो गया, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं तारीफ करूं, आपके ऐसा नहीं है, शेर ही शुरू हो गया है। वाह जी वाह जनाब, क्या खूब कही है, जिसे आप सही कहें बस वही सही है। संदर्भ ध्यान रखिएगा तो मजा ज्यादा आएगा, वरना मजा तो आएगा लेकिन कम आएगा। कर्नाटक के हालिया प्रकरण को कह रहा हूं, वाह जी वाह जनाब, क्या खूब कही है, जिसे आप सही माने बस वही सही है। और क्यों गलत बात को गलत नहीं कहते, क्या आपके मुंह में जमा दही है? क्यों गलत बात को गलत नहीं कहते, क्या आपके मुंह में जमा दही है? बहुत अच्छे दोहों में बात आपने कही थी राजस्थान की धरती की। मैं जो गजल आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस गजल को कागजों पर उतरे हुए कमोवेश 22 साल हो गए, मई का महीना, 15 मई की बात थी, 15 मई 1996 की थी शायद बात। बीकानेर से गंगानगर के बीच धोरों से मैं बस से जा रहा था, भरी गर्मी में चिलचिलाती धूप और उसके बीच में जो मंजर मैंने वहां देखा, ये गजल पैदा हुई है। आपका पूरा ध्यान चाहूंगा और ये गौर चाहूंगा कि जो कहते हैं कि गजल माशूखा से ही बात करने की होती है, मैं कहता हूं हां, लेकिन मेरी माशूखा वो जिंदगी के तमाम मुजाहिरे हैं, मेरी माशूका किसी एक शक्ल में बैठी हुई कोई औरत मात्र नहीं है। इसलिए मतलब अर्ज किया है, भट्टी से दहकते धोरों पर बचपन को पिघलते देखा है। क्योंकि हिंदी भाषा का विद्यार्थी और प्रोफेसर रहा हूं तो आपको अलंकारों का सौंदर्य भी देखने को मिलेगा, हिंदी के अलंकार भी और उर्दू के भी। भट्टी से दहकते धोरों पर बचपन को पिघलते देखा है और आग बनी है रेत जहां सांसों को सिसकते देखा है। आग बनी है रेत जहां सांसों को सिसकते देखा है। और इसमें इस शेर में अलंकार भी देखिए, बड़ा खूबसूरत अलंकार है, समास भी मिलेगा आपको। लरज लरज कर लब रह जाते भटक, तड़प तड़प रह जाती सांसें। लरज लरज कर लब रह जाते, तड़प तड़प रह जाती सांसे, भटक भटक पानी की खातिर दम को निकलते देखा है। भटक भटक पानी की खातिर, और ये शेर मंचस्थ हमारी खास शख्सियत है, उनकी खिदमत में उनको नजर है कि आस बूंद पर वहां कहा जहां सागर रेत के हहराते, आस बूंद भर वहां कहा जा सागर रेत के हहराते, और खाने के लिए बच्चे तो क्या बूढ़ों को बिलकते देखा है। खाने के लिए बच्चे तो क्या बूढ़ों को बिलकते देखा है। और एक सीन देखिए कि रेगिस्तान में बादल छाते हैं तो क्या होता है। चंद्र सिंह बदली की बदली कविता एक और रखती है, ये एक अलग पहलू है। आकाश दो आंसू आ जाते कुछ देर को राहत मिल जाते, आकाश दो आंसू आ जाते कुछ देर को राहत मिल जाती, प्यास बुझाने होठों की आंखों को मचलते देखा है। प्यास बुझाने, और ये सीन देखिए, रेगिस्तान की प्यास की इंतहा है कि बादल जो पल भर को बरसे, बच्चे ने दादा से कहा, दादा दादा देखो मैंने पत्थर को पिघलते देखा, दादा दादा देखो मैंने पत्थर को पिघलते देखा है। और कहा हुस्न और कहा इश्क बस एक गमों का सागर है, रेगिस्तानी जिंदगी। कहा हुस्न और कहा इश्क बस एक गमों का सागर है, और किरचे किरचे होकर के हसरत को निकलते देखा है। किरचे किरचे होकर के हसरत को निकलते देखा है। मक्ते का शेर अर्ज कर रहा हूं कि जन्म मरण दिन रात सभी पानी रोटी पे टिके कुमार, जन्म मरण
दिन रात सभी पानी रोटी देख के कुमार धरती के इन नरकों से कभी क्या खुशी गुजरते देखा है? धरती के इन नरकों से क्या कभी खुशी गुजरते देखा है? यहाँ राजनेता भी मौजूद है। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ और नाम अब्दुल है मेरा, मैं सबकी खबर रखता हूँ। आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखिए आला जो हुकूमत के हिस्से वाले लोग हैं वो बैठे हैं, यार हुकूमत के हिस्से का दूसरा ग्रुप है, राजनेता भी बैठे हैं। चलिए मैं आप सबको एक गजल का मतला नजर करते हुए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब यहाँ नहीं तो कहीं और दे दीजिए। क्योंकि जमाने के खुदाओ, जमाने के खुदाओ, एक बात तो कहो, कब खत्म होंगे हम पे जुल्मात तो कहो। जमाने के खुदाओ, एक बात तो कहो, कब खत्म होंगे हम पे जुल्मात तो कहो। तन्हाइयों की बात की थी सौरभ जी ने, लीजिए आपकी नजरिए से। तुम भी तो थक चुके हो अशकों के सितारों, तुम भी तो थक चुके हो अशकों के सितारों, कब खत्म होगी ये गम की रात तो कहो। कब खत्म होगी ये गम की रात तो कहो, कब थमेंगी वक्त की बेरहम आंधियां, कब थमेंगी वक्त की बेरहम आंधियां, और बदलेंगे कब अपने हालात तो कहो। ये हिंदुस्तान की आवाम बोल रही है, बदलेंगे कब अपने हालात तो कहो, और कब तक हमसे फरेब होता रहेगा, कब तक लुटते रहेंगे जज्बात तो कहो। और आज की जिंदगी की बात ये कि शहरयार ने कहा था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। उसी से मुब्तला होकर ये बात बोल रहा हूं कि हर बात नपी तुली होती है आजकल, जिसे देखो 2.5 इंच की मुस्कान चेहरे पे लाके, ओके थैंक यू वेलकम, बस बात खत्म। कहीं वो अंदरूनीपन अतरंगता है नहीं, अंतरंगता गायब हो गई है। क्या है? हर बात नपी तुली होती है आजकल। कोई बात मेरे प्यारो बे बात तो कहो, कोई बात मेरे प्यारो बे बात तो कहो। और आपने बच्चों की बात कही सौरभ जी, एक शायर ने कहा है कि बच्चों के नाजुक हाथों को चांद सितारे छूने दो, चंद किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अब ठहरिए, मैं इस बात को दूसरे तरीके से कैसे कहता हूं। बच्चों के साथ बड़ों को भी शुमार कर लिया है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक बच्चा होता है और हर बच्चे के अंदर एक बड़ा होता है। इसीलिए कई बार ये बच्चे हमारे बड़ों जैसा हमारे साथ सुलूक करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। तो पढ़ के किताबें आदमी बेदर्द हो गया, पढ़ के किताबें आदमी बेदर्द हो गया। क्या बना रहे हैं हमको इल्मात तो कहो, आज की शिक्षा व्यवस्था की विडंबना क्या बना रहे हैं हमको इल्मात तो कहो। और तन्हाइयों के भेड़िए पीछे लगे हैं मेरे, हम लोग उस दौर में जी रहे जब मेले में भी अकेले हैं। तन्हाइयों के भेड़िए पीछे लगे हैं मेरे, किस जहां खत्म होंगे ये जंग लात तो कहो। और आपने उम्र की बात कही, हाथ से फिसलती सी रेत है ये उम्र, रेत घड़ी, हाथ से फिसलती सी रेत है ये उम्र, और कब तक देंगी सांसें अपना साथ तो कहो। और फिराक गोरखपुरी की तरह की यूं ही फिराक ने उम्र बसर की, कभी गमे जाना कभी गमे दौरा। तो चलिए गमे दौरा की बात कर लिए, गमे जाना पर इस गजल का मक्ते का आखिरी शेर अर्ज कर देता हूं। शबे हिज्र की उदासी कुछ कम तो हो सके, फिराक कहते हैं सुकूते शाम उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ चली कुछ राज की बातें करो। मैं कहता हूं कि शबे हिज्र की उदासी कुछ कम तो हो सके, कहो कुमार उसकी कोई बात तो कहो, कहो कुमार उसकी कोई बात तो कहो। और बस अब एक बात के साथ अपनी बात पूरी कहूंगा, मुहावरे हैं, मजा आएगा आपको भी थोड़ा सा अगर अपने मोबाइल से नजर हटा लेंगे तो, इस तो ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए।
औरों के घर आंगन में जो आंखें फाड़े रहता है। हमारा क्या है, हमें चाहते हैं गांधी पैदा हो पर पड़ोसी के घर, हमारे घर नहीं हो। भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के, क्रांति हो पड़ोसी के घर, हमारे घर में नहीं हो। हम तो बस दृष्टा भाव रखे हैं ऐसा औरों के। हम दूसरों के मामलों में खूब साफ झांक रहे हैं। औरों के घर आंगन में जो आंखें फाड़े रहता है वही शख्स भला करके क्यों बंद किवाड़े रहता है। अपने तो बांडे फाटक से बंद करके रखो। औरों के घर आंगन में जो आंखें पाड़े रहता है और वही शख्स भला करके क्यों बंद किवाड़े रहता है। और शेर गौर फरमाइएगा कि गुर्बत की कुर्बत के की है यार तमाशे ये सारे। गुर्बत माने गरीबी, कुर्बत यानी निकटता। गुर्बत की कुर्बत के ही है यार तमाशे ये सारे, वरना सोचो कौन शौक से बदन उघाड़े रहता है। सलमान खान की बात अलग है, वो शौक से बदन उघाड़े रहता है, लेकिन गुर्बत गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में नंगा है। गुर्बत की गुर्बत के ही है यार तमाशे ये सारे, वरना सोचो कौन शौक से बदन उघाड़े रहता है। और जिंदगी का एक पहलू सौरभ जी, दर्द आप और हम सभी इंसान है, शायर हो न हो, जिंदगी दर्द भी देती है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने 29 बरस की शायरी के सफर में, हमेशा एक बात बार बार कहता आया हूँ, संतोष आनंद दत्ता का एक शेर है उस पर दुनिया जहान की तमाम शायरी कुर्बान है। आप भी ध्यान रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा, उनका एक शेर है बहुत छोटा है, गौर करेंगे उससे पहले खत्म हो जाएगा। कहां से कहां आ गए चलते चलते, दुनिया जहान की शायरी कुर्बान है इस पर, कहां से कहां आ गए चलते चलते कि दिल बन गया दर्द की राजधानी। यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी कि जैसे कहीं छोड़ा है जवानी। दर्द का एक पहलू ये भी है कि उसका हंसना उसका रोना मुझसे जुदा हुए हैं यूं। उसका हंसना उसका रोना मुझसे जुदा हुए हैं यूं। और राजस्थानी का प्रयोग देखिए कि वो जो मेरे घर आंगन के इस पसवाड़े रहता है, पसवाड़े माने पहलू। उसका हंसना उसका रोना मुझसे जुदा हुए हैं यूं, वो जो तेरे घर आंगन के इस पसवाड़े रहता है। और आज के माहौल को लेकर एक, ये तो नहीं कहूंगा कि उपदेश है, लेकिन एक संदेश है कि ढूंढा तूने कहां था उसको और भला वो मिलता कैसे। ढूंढा तुमने कहां था उसको और भला वो मिलता कैसे। गौरव जी गौर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जिस काम के लिए इतना करना पड़ता है उस काम को मैं यहां हल कर देता हूं। ढूंढा तुमने कहां था उसको और भला वो मिलता कैसे। प्यार तो भैया तेरी नफरत के पिछवाड़े रहता है, और अगर वो प्यार रहेगा तो आपको कानून और व्यवस्था में दिक्कत नहीं। प्यार तो भैया तेरी नफरत के पिछवाड़े, प्यार और नफरत, मोहब्बत और नफरत, सिक्के के दो पहलू, ये इधर है उधर है। और चलिए अब समेटते हैं यहां से अपनी सरगोशी करती है यादें। ये शेर शायद अब तक के मेरे इतने समय में कहे हुए सबसे ज्यादा ध्यान गौर मांगने वाला शेर है। सरगोशी करती है यादें भूख यहां भी उठती है, सरगोशी करती है यादें भूख यहां भी उठती है, तेरे वहां ये मौसम तो बस जाड़े जाड़े रहे।